सर मोदी जी डायरेक्ट हम लोग को भेजते हैं, सभी संविदा कर्मियों को मोदी जी योगी जी का डायरेक्ट उपहार है। इसीलिए हमारी महंगाई हमारे लिए डीए किस चिड़िया का नाम है उत्तर प्रदेश का संविदा कर्मी जानता भी नहीं है, क्योंकि डीए क्या होता है, डीएलएस अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता क्या होता है, क्योंकि हमारी पीड़ा को तो कोई समझने वाला ही नहीं है। हम 7,000 रुपया में 9,000 रुपया में किस प्रकार से अपने जीवन यापन को चलाते हैं, इस पीड़ा को कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए अरे आप किसी जिसका पेट भरा है उसके पेट को आप और बार बार भरने का प्रयास करते हो, अरे जिसका पेट खाली है उसके पेट, जिसके घर रोटी नहीं है उसके घर भी रोटी मुहैया कराने की व्यवस्था वास्तव में इस सरकार को करना चाहिए। लेकिन आप तो जानते हैं सर सियासी लोग हैं, इनको लोगों की पीड़ा से, संविदा कर्मियों की पीड़ा से सियासी लोगों को ही कोई मतलब नहीं होता है। 5 साल चुनावी एजेंडा में कार्य करते हैं, अरे चुनावी एजेंडा में कार्य करो ना, 5 साल चुनाव की तैयारी करो ना, लेकिन हमसे जो वादा किए हो 3 अप्रैल 2016 को जो नियमितीकरण का वादा किए, 6 अप्रैल 2017 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले नियमितीकरण का वादा किया था, वो सब वादा कहाँ चले गए, सिर्फ वादा वादा ही रह गए। अरे आप उनको पलट के जरा देखो कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ आपने कौन सा वादा किया था, आपने नियमितीकरण का वादा किया था लेकिन आप नियमित करोगे नहीं, क्योंकि हमारी पीड़ा तो आपको समझ में नहीं आती है। अरे उनका डीए बढ़ा रहे हो, हमारा भी 3% डीए बढ़ा देते तो क्या आपको, वो तो उतने लाखों लाखों लोग हैं, हम तो सिर्फ 27,000 हैं, 27,000 लोगों का कुछ ना कुछ हर साल बढ़ाते होते तो 10 साल में आज हमारा भी वेतन, हमारा भी मानदेय लगभग 20,000 रुपया से ऊपर चला गया होता, हम भी एक सम्मानजनक जीवन जीते, हम भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते, हमारे भी बच्चे बीमार पड़ते तो हम भी उनको अच्छे दवा दारू करा पाते। लेकिन हम क्या, यहाँ तो हम बच्चों को खिला नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे सही से कुपोषण के शिकार है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार भले बड़े बड़े नारा लगाती हो, जबकि संविदा कर्मियों के बच्चे वास्तव में कुपोषित हैं। कुपोषित होंगे क्यों नहीं, क्योंकि उनको तो न सही से भोजन मिल पाता है, न सही से कोई सुख सुविधा मिल पाती है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। सरकार सिर्फ उसी के लिए है जो पहले से मजबूत है, जो पहले से बलवान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है, कहती है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय करोगे। अरे उत्तर प्रदेश का संविदा कर्मी क्या इस प्रदेश का अंतिम व्यक्ति नहीं है? आप दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगा लोगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगा लोगे, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण दोगे, लेकिन उनकी कही हुई बातों को जरा लागू तो करिए। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं जी ने कहा था एक देश एक विधान एक संविधान, फिर आप उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में 3 प्रकार की प्रक्रिया क्यों अपनाते हो, किसी को 70,000 80,000, किसी को 10,000, किसी को 9,000, ये इतनी प्रकार की प्रक्रिया क्यों है, जबकि विद्यालय में सिर्फ 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, या तो पढ़ने वाले या पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला शिक्षार्थी, पढ़ाने वाला शिक्षक, फिर ये अनुदेशक शिक्षाविद, अलग अलग प्रकार के नाम देकर क्यों इतना विभेद पैदा करते हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बातों का पालन क्यों नहीं करते हो। और ठीक है आपने नाम दे भी दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी तो लो, आप तो देखो कि 10,000 रुपया में 9,000 रुपया में कोई अनुदेशक कोई शिक्षा मित्र अपना परिवार कैसे चलाएगा। और शिक्षा मित्र तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उसी गांव का है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आधा किलोमीटर पे उसका विद्यालय है, लेकिन अनुदेशक का विद्यालय तो 110 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अनुदेशक की नियुक्ति उसके ही ब्लॉक में होनी थी, आपने उसकी नियुक्ति नहीं किया। महिला अनुदेशकों की शादी हो गई, शादी होने के बाद उसको ससुराल में रहना चाहिए, लेकिन वो ससुराल में रहेगी कैसे, क्योंकि जब उसका ट्रांसफर आप उसके ससुराल में नहीं करोगे, वो बहराइच की रहने वाली है उसकी शादी लखनऊ हो जाती है, वो बस्ती की रहने वाली है उसकी शादी बलरामपुर हो जाती है, वो बांदा की रहने वाली है उसकी शादी मुरादाबाद हो जाती है, उसके पति कहते हैं तुम नौकरी छोड़ दो या तो मुझे तलाक दे दो। राजी सरिता वर्मा बांदा की अनुदेशक का फोन आया, बार बार परेशान है, उसके पति हैंडीकैप्ट है, बार बार कह रहे हैं या तो तुम नौकरी करो, तुमको बहुत बच्चे पढ़ाने का शौक है तो जाओ मुझे तलाक देकर अपनी नौकरी करो ना, कौन मना कर रहा है। तो यहाँ तो परिवार भी टूट रहा है, आप परिवार जोड़ने की बात करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, मिशन शक्ति के लंबे लंबे पोस्टर बनवाते हो,
समस्या ये है कि इन सब बातों से निदान नहीं होना, निदान होना है उस सरकार से, निदान होना है इनके ऊपर, इनसे मांग कर, इनसे क्या कहा जाए, सब नहीं बचे हैं कुछ भी कहने को, क्योंकि रोना, गिड़गिड़ाना, लड़ना, भिड़ना सब कुछ आप लोग कर चुके हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आपसे जब वादा किया अधिकारियों ने, अभी तो चंद दिन हुए हैं, मैंने आपसे कल कहा भी कि एक बार फिर पूछिए उनसे, आपको क्या जवाब देते हैं, मुझसे तो कह देते हैं कि जल्द ही एक मसौदा तैयार हो रहा है, उस मसौदा में कुछ अच्छी खबर भी बता रहे हैं, लेकिन जब तक खबर नहीं आती हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि मुंह से कही हुई बात पढ़ाई हो जाती है। सुरेंद्र सर, विधायकों का वेतन बढ़ गया छत्तीसगढ़ में, यूपी सरकार ने 3% अलाउंस बढ़ा दिया, डीए जिसे कहते हैं, लेकिन संविदा कर्मी के बारे में किसी को ख्याल नहीं है, ग्राम प्रहरी की किसी को चिंता नहीं है, शिक्षा मित्र के बारे में कोई सोचता नहीं है, और निदेशक का तो बुरा हाल है ही, वो लगातार आप सुन रहे हैं परिवार टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, मौतें हो रही हैं, कई शिक्षा मित्र, कई अनुदेशक इस दौरान काल कल्पित भी हो गए, कुछ पीटे कुटे भी बेचारे, हेडमास्टर ने पीटे, बेइज्जत किए, जलील किए, खाना को लेकर जलील किए, किसी ने चोरियां लगाई, की चेक निकाल लिया जैसे, बहरहाल जी विक्रम कुछ कह रहे हैं। सर अभी हमारे पास बांदा की जो अनुदेशक साथी है सरिता वर्मा जी ने फोन किया है, उन्होंने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से के पास फोन किया और उन्होंने कहा सर दो मिनट मेरी पीड़ा को समझिए, और अपनी पीड़ा को उन्होंने बताया कि सर मेरी शादी दूसरे जनपद में हो गई है, मेरे पति हैंडीकैप्ट है, मेरी दो बेटियां हैं और बड़ी बेटी भी हैंडीकैप्ट है, आप मेरे पीड़ा को समझिए सर, मैं अनुदेशक हूँ, पति मुझे बार बार तलाक देने की बात करते हैं, सर आप मेरा अंतर जनपदीय ट्रांसफर करा दीजिए। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, उनकी बातों को माननीय मंत्री जी ने सुना, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ऑनलाइन आने वाला है ट्रांसफर की प्रक्रिया, आप उसमें ऑनलाइन करना, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, और इसके लिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका हृदय की गहराइयों से उनका मैं स्वागत करता हूँ, उनका बहुत बहुत आभारी है। यदि वास्तव में मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि प्रक्रिया चालू है, चूंकि प्रक्रिया बड़ी उलझन भरी है, 5 बड़ी समस्याएं हैं जिन पर उन्हें बात करनी है, पहली समस्या 100 बच्चों वाली, दूसरी समस्या जो कंपोजिट विद्यालय हो रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि एक बार मुश्किल से हो पाएगी व्यवस्था, अगर इस बार भी पहले की जैसी हो गई तो फिर दोबारा नहीं होगी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया, तो सारी व्यवस्थाएं अगर ये नासूर खत्म हो जाएंगे तो एक बार समायोजन हो जाए फिर सब चलता रहेगा, इसीलिए शायद सरकार भी डिले कर रही है। जी सर, तो उस महिला की पीड़ा को उन्होंने समझा और उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ। मैं भी बेसिक शिक्षा मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कम से कम एक मंत्री तो उत्तर प्रदेश सरकार में है जिसने अनुदेशक की बात को ध्यान से सुना, अपने उस विभागीय कर्मचारी को जिसे सब हे दृष्टि से अछूत मानते हैं, अछूत शब्द इसलिए यूज आज कर रहा हूं, ये शब्द नहीं करना चाहिए कि जिसकी कोई नहीं सुनता है उसी से तो अछूत कहा जाता है, जिससे कोई इसके हाथ का पानी न पिया जाए, जिसे पहले कहते थे कि गांव में किसी से गाय की मौत हो जाती थी, गाय हत्या लग जाती थी जिसे, तो उसे गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, सुरेंद्र सर बहुत समझ रहे होंगे, उसे गांव के बाहर रहना पड़ता था, उसे गांव में भीख मांग के अपना भोजन करना पड़ता था, कोई भी आदमी जब तक वो अगर पश्चिमी का है तो मथुरा, पूरब का है तो अयोध्या, जब तक भगवान राम और कृष्ण के यहाँ घूम नहीं आता था तब तक उसकी गलती नहीं, आज उसी स्थिति में अनुदेशक फंसा हुआ है, उसी स्थिति में, ऐसे में अगर मंत्री जी ने बात सुनी तो स्पेशल कवरेज न्यूज आदरणीय सुरेंद्र सर की ओर से, मैं अपनी ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, कम से कम मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंची, लोगों की लगातार बात सब सुनेंगे, मैंने आपसे पहले कहा और आज भी कहा, अगर आप हिम्मत दे दो तो चल चल के सुनेंगे, लेकिन आप लोग हिम्मत ही नहीं दे पाए, आप लोग हमारी हिम्मत नहीं दे पाए, हम तो आपको लगातार हिम्मत दे रहे हैं, अब तक आप नियमित भी होते, आपको वेतन भी मिलता, कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन आप में क्षमता नहीं है लेने की, हमें दिलाने की क्षमता है, इसलिए हम लड़ रहे हैं आपके साथ। जी विक्रम कुछ कह रहे हैं, जी विक्रम बताइए बताइए जल्दी, मैं सुरेंद्र से मैं बात करूंगा, विक्रम सर एक मिनट चल लूंगा सर, वास्तव में अभी तक सर बेसिक शिक्षा मंत्री जितने हुए हैं, सबसे पहले अनुकुमार जायसवाल जी हुए, फिर सतीश चंद्र द्विवेदी जी हुए और अब माननीय संदीप जी हुए हैं, तीनों लोगों में सर जमीन आसमान का अंतर है, मैंने भी मेरी भी लगभग 5 बार माननीय संदीप सिंह जी से, जो कि माननीय कल्याण सिंह जी के पौत्र हैं, उनसे 5 बार मेरी स्वयं फोन पे वार्ता हुई है, और वास्तव में सर वो जितने अच्छे व्यक्ति हैं वो हम लोग की पीड़ा को समझते हैं और फोन पे बात करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, इससे पहले जो दोनों मंत्री थी वो कभी हम लोग की, चलिए विक्रम से संपर्क, सुरेंद्र सर लगातार अच्छी खबरें आ रही है और मुझे उम्मीद है उस
माँ भगवती की असीम कृपा रहेगी कि अगर जहाँ तक शासन से जो बातचीत चल रही है उससे अनुमान लग रहा है कि शासन भी चिंतित है। नीरज जी बिल्कुल शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगी, थोड़ी हिम्मत और हौसला रखो, लोगों को जागरूक करिए। मुलाकात इसलिए नहीं हो पा रही है कि आप वो नहीं तय कर पा रहे हो। आपके हाथ में अभी बहुत बड़ा, सभी कर्मचारी संगठनों के हाथ में एक बड़ा, बहुत बड़ा सोने का एक लड्डू हाथ आ गया है और उस लड्डू का नाम है 2024 का लोकसभा चुनाव। जिस हिसाब से इस चुनाव में वोटों का डिवाइडेशन हुआ है, आप जो चाहोगे वो मिलेगा इस चुनाव में। मैं आपसे वादा करता हूँ, हिम्मत सिर्फ दिखा दीजिए 15 दिन 1 महीने की, आपकी सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। लोगों को लोग चाहिए, लोग वोट के जरिए से आते हैं। तय आपको करना है, मैंने जो बताना था बता दिया। सुरेंद्र सर, मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त, तो हम लोग जितनी मजबूती से इनका केस लड़ रहे हैं, ये लोग खुद नहीं लड़ रहे। और टोटल जो स्ट्रेंथ हम काउंट करें तो उसके हिसाब से कोई भी आदमी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं भी खड़ा होकर के अपनी बात नहीं कहना चाहता। ऐसा लगता है लोगों को कह रहे कोई जाएगा कोई ना कोई देखेगा। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप दबाव बनाए हुए, लेकिन जिन वर्गों की आप बात कहते हो या विधायक कहते हो या विधायक नहीं होगा तो सरकार गिराते हैं, क्योंकि ताकत नहीं है। आपकी ताकत है नहीं है, क्योंकि आप घर से निकलते ही नहीं। आप बैठे, आप जब ऑनलाइन आके प्रोटेस्ट नहीं कर पाते तो दूसरी बात क्या कहें, जिसमें ना आपको लाठी खानी है, ना कहीं जाना है, ना आना है। लेकिन वो जैसे उसको बोलते हैं ना, कुमकर्ण 6 महीने सोता था 6 महीने खाता था, तो वही आप लोग अपना सो जाते हैं। अपनी जगह पे रखा कुछ लेकर सरकार ने, तो चलो सुखवार मिश्रा एक है उनसे कहते हैं भाई आपने क्या किया। तो आप लोग हम लोगों को कटघरे भड़क के रखते हैं कि हे मूर्खो तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, आखिर हम कब तक तुम्हारे सहारे रहे। ये स्थिति है, दयनीय है।